दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। फिर तुम ऐसी सोचती रही ना तो एक ना एक दिन भूखी मर जाओगी। अब ऐसा मेरा ख्याल है, आगे तुम्हारी मर्जी। उरुज देखो, तुम्हारी सिचुएशन काफी हमारी सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है। तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना देखो मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। क्या मतलब तुम मुझे एक बार फिर अकेला छोड़ के चले जाओगे? हाँ, क्योंकि ये सब कुछ इसकी वजह से तो हुआ है। अगर तुम रूज की इतनी हेल्प ना करते तो सलमान भाई के दिल में कुछ शक पैदा ही ना होता। देखो तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, यहाँ सीरियस बात चल रही है ना। नहीं तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं गैर संजीदा हूँ? यहाँ पे जो भी मसला चल रहा है मैं उसको सीरियस ले रही हूँ। अगर ऐसा है तो कुछ सीरियस बात करो, हल निकालो इस मसले का। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। रूच तुम बताओ क्या किया जाए? अमात, काया जान के खिलाफ सारे सबूत तो जमा कर लिए हैं मैंने, मगर जिन लोगों के नाम साथ जुड़े हुए हैं वो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मार्केट में एक नाम है, कंपनीज हैं बड़ी बड़ी उनकी, और सलमान की कंपनी की भी रेपुटेशन है। हाँ, इस तरह उन सबकी बदनामी होगी और कोई कंपनी ये नहीं चाहेगी। एग्जैक्टली, इसलिए हमें सबूतों के अलावा गवाह भी चाहिए। और जिन कंपनीज के साथ ये मामला हुआ है वो कंपनी कभी भी गवाही नहीं देंगे। चलो फर्ज कर लेते हैं हम किसी को मजबूर करके ले भी आए और उसने ताया जान के खिलाफ गवाही दे भी दी, फिर पता है क्या होगा? ना तो सलमान उनके साथ बिजनेस करेंगे और ना ताया जान सलमान के साथ बिजनेस करेंगे। अरे यार, तुम लोग क्या गोल गोल घूम रहे हो? सिर्फ एक गवाह की जरूरत है, और तुम लोग मुझे उस घर का बता रहे थे ना जहाँ पे वो मार्बल बेचा गया था। तो वहाँ के लोग मार्केट के थोड़ी हैं, घर के ही होंगे ना, उनसे गवाही ले लेते हैं। आई थिंक गुड आइडिया, लेकिन उस घर के लोगों को तो हम जानते ही नहीं है। वहाँ सिर्फ हम चौकीदार से मिले हैं, वो बड़ा ही खड़ूस है और वो कभी भी हमें अंदर जाने नहीं देगा। बंगले के अंदर जाएंगे तो सारे राज बाहर आ जाएंगे। तुम दोनों कितने बेवकूफ हो ना, तुम दोनों को अच्छे से पता है जब शांजी लंच कर लेती है तो उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। वो तो लग ही रहा है कि कितना तेज दिमाग चल रहा है मैडम का। वेरी फनी यार, तुम लोग फिल्में नहीं देखते हो ना। अच्छा सुनो, मेरे पास एक प्लान है। शायस्ता, तुम एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। पीछे तो आप पड़े हुए सलमान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, ये भूलकर कि सलमान हमारा बेटा है। हमने सिर्फ मेरीन की जिंदगी बचाने के लिए उसे दिया हुआ है। मैं कुछ नहीं भूला हूँ, कैसे कोई अपने बेटे का भला भूल सकता है? बताओ इद्रीस, आप मुझसे एक वादा करें। कैसा वादा? अच्छा चलो किया, जो भी तुम कह रही हो मैं मान लेता हूँ, बोलो क्या बात है? जी साहब, वादा करें कि आज के बाद आप सलमान और उरूज के मामलात में नहीं बोलेंगे। सलमान हमारा बेटा है, उरूज हमारी बहू है। उरूज के लिए सलमान की मोहब्बत की शिद्दत देखकर ना मुझे डर लगने लगा है कि कहीं आपकी और मेरी इनकी लगाई हुई आग में वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दे।
अच्छा चलो वादा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, फोन रखो। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। कोई बहुत दिल के करीब था मेरे, इसलिए टूट रहा हूं। जानती हूं बेटा, जानते हो तुम किसकी बात कर। सारी दुनिया को छोड़कर उसे पसंद किया, अपनी मां के अगेंस्ट चला गया उसके लिए, और उसने क्या किया? क्या किया अरुज ने? बेवफाई की उसने। वेट करना होगा जब तक गार्ड नहीं चला जाता, उरुज नहीं आ सकते। उरुज को कॉल करो। हाँ। हाँ, उरुज अभी नहीं आना, गार्ड बैठा हुआ है। हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या नहीं, कब जाएगा यहाँ से? क्यों नहीं जा रहे? हेलो जी मैडम। जी बस ठीक है मैडम, अभी आया 2 मिनट में। उरुज को कॉल करो जल्दी 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 ले ले। हेलो उरुज, उरुज गार्ड जा रहे, जल्दी आ जाओ फौरन। ओके उरुज कहाँ रह गई यार? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपकी अम्मी हैं घर पर? जी। क्या मैं अंदर आ जाऊँ उनसे मिलूँ? जी आ जाएं।
आप अंदर बैठे, मम्मी कॉफी पिलाता हूँ। ठीक है। चोरी का मार्बल और टाइल्स यहाँ इस्तेमाल हुए हैं। वाह भाई, चोरी के माल से कितना शानदार बंगला बनाया है किसी ने। इसका मतलब है कि ताया जान ने खुफिया शादी कर रखी है। किस काम के लिए यहाँ आई थी, और यहाँ तो एक नया ही पिंडोरा बॉक्स खुल गया। बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक अभी आंटी आई थी। आई थी तो फिर कहाँ चली गई? आप जाओ, जाके चौकीदार को बुलाओ। उसने अंदर कैसे आने दिया किसी को? आपने उसको ग्रोसरी लाने के लिए भेजा था। एक मिनट, कौन है आप और अंदर कैसे गई? मेरी बात सुनो, कौन है आप अंदर कैसे गई? रुको भाई, कौन हो? मैं कह रहा हूं रुको, आप कौन हो? कौन हो? रुको, कौन थे ये लोग और अंदर कैसे गए? साहब को पता चला साहब मेरी जान ले लेगा, नौकरी से भी निकाल देगा साहब मेरे को। अ
अरुज कुछ तो बताओ, क्या हुआ है आखिर? मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन जब तक तुम हमें कुछ बताओगी नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? कोई तो क्लू मिला होगा। इदरीस साहब, लेकिन ये इदरीस साहब के साथ जो खातून है, यकीनन ये इनकी दूसरी बीवी है। सिर्फ दूसरी बीवी ही नहीं, साथ एक बच्चा भी है। इसका मतलब हाथ आया जी, वाह, आप तो बड़े खिलाड़ी निकले। तुम क्या सोच रही हो? हैरान हो रही हूँ मैं लोगों के इतने सारे चेहरों को देखकर। ताई जान के होते हुए ताया जान ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन दूसरी शादी करना कोई गलत बात तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन पहली बीवी को बताए बगैर करना तो गलत बात है ना? हाँ, ठीक कह रही। मैं तो समझता था कि इदरीस साहब सिर्फ पैसों की हेर फेर करता है, लेकिन यहाँ तो वो रिश्तों की भी हेरा फेरी कर रहे हैं। बेईमान लोग ऐसे ही होते हैं, ना पैसों के होते हैं ना ही रिश्तों के। ठीक कहा। जो लोग बददियानत होते हैं वो सिर्फ हिसाब किताब लेन देन में ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तों तक में बददियानत होते हैं। इदरीस ताया जहां काम करते हैं वहां भी झूठे हैं और ताई जान के सामने भी झूठे हैं। जब तक पर्दा पड़ा रहे ऐसे लोग जमाने की नजरों में मौतबर बने रहते। ताया जान खुद को बहुत बुलंद मकाम पर समझ रहे, मगर उन्हें अंदाजा नहीं कि वो कितनी बुलंदी से नीचे गिरेंगे। पूछोगे नहीं है मुझे कहाँ जाना है? अगर मैं तुमसे कहूंगा कि तुम नहीं जाओ, तुम तो मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैं अपने अल्फाज तुम पर जाया ही क्यों? दानिश कुमार, चाहते क्या हो मुझसे? अब आइयो ना तुम मुद्दे पर, एक डील करते हैं। कैसी डील? तुम मुझे सिर्फ 20 लाख रुपए दो। अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या दे पाएंगे? तुम मांगोगी तो जान भी दे दूंगा। 20 लाख रुपए चाहिए। हाँ बोलो। सुने इदरीस को लड़की आई थी आज घर पे। कौन थी वो लड़की? पता नहीं, मेरी तो मुलाकात नहीं हुई। आपके बेटे ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया था। ये मत बताओ कि कहाँ बिठाया था, ये बताओ कौन थी, देखने में कैसी थी, पहचान लोगी? मैंने अभी तो बताया कि मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे, शायद कोई सेल्स गर्ल होगी। शुक्र है, इतनी सी बात है और तुमने मुझे परेशान कर दिया था।
इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? लेकिन हाँ इद्रीस, एक बात थोड़ी अजीब सी है। अगर वो सेल्स गर्ल थी, कोई प्रोडक्ट बेचने आई थी, तो मुझसे मिले बगैर कैसे चली गई? कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसका आपने मुझे बताया था? अब अपनी जहानत झाड़ने से क्या फायदा? तुम्हारी चालाकी बिल्कुल बेकार है। अगर वो उरुष थी तो सब कुछ बर्बाद हो गया। एक काम तुमसे नहीं होता और वो चौकीदार काम मर गया था उसको। इद्रीस, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैंने थोड़ी कहा था कि आप मुझसे छुपके शादी करें। मैं तो आज भी चाहती हूँ कि सबको पता चले। तुम समझती नहीं हो, सिर्फ बोलते हो। ठीक है, मैं खुद ही देख लूंगा। खुदा हाफिज। मुझे क्या पता था कि वो ढूंढती हुई यहां पे भी आ जाएगी। और तुम जैसी बेवकूफ औरत उसे घर के अंदर भी आने देगी। पागल औरत, मरवा दिया ना मुझे। और रूज इद्रीस इतना शाइस्ता से नहीं डरते जितना इस लड़की रूज से डरते हैं। दूसरी शादी इद्रीस ने की है तो इस लड़की को क्यों फिक्र हो रही है? वो इस तरह छुपकर क्या मालूम करना चाहती है? इद्रीस मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये रोज क्या नुकसान पहुंचा सकती है? बात कुछ और है। बस ये बस खैर तो है? आप गैर मामूली परेशान दिख रहे हैं। परेशानी है गैर मामूली। मुझे बताएं बॉस, शायद मैं हेल्प कर सकूं। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। बॉस इतने खौफजादा क्यों हैं? उरूज मेरे घर तक पहुंच गई है। लेकिन आप तो एक ही कोठी में रहते हैं। मैं दूसरे घर की बात कर रहा हूं। आपको कंफर्म है ये बात? नहीं, कंफर्म नहीं है। तो आप अपनी दूसरी वाइफ को कहीं और शिफ्ट कर दें वहां से। और अगर पूछेगा कोई तो? मुकर जाएगा, इसमें मसले की क्या बात है? तुम जाओ इस वक्त यहां से, पहले मेरा दिमाग खराब है। और परेशान मत करो मुझे। जाओ ले जाओ ये जो भी लाया। जब तक तुम हमें कुछ बताओगी नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? कोई तो क्लू मिला होगा। लेकिन ये इद्रीस साहब के साथ जो खातून है, यकीनन ये इनकी दूसरी बीवी है। सिर्फ दूसरी बीवी ही नहीं, साथ एक बच्चा भी है। इसका मतलब हाथ आए जी। वाह, आप तो बड़े खिलाड़ी निकले।
ये सब क्या किया ताया जान ने? ताई जान जैसी अच्छी बीवी के होते हुए दूसरी शादी? अब इस राज का क्या किया जाए? क्या शाइस्ता आंटी और सबको ये सब बता दिया जाए? इससे ताया जान से मेरा इंतकाम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इस घर में एक भौंचाल आ जाएगा। अगर सलमान को भी तो बचाना, और ये तो मैं जरूर करूंगी। रुच बेटा, क्या हुआ है? कुछ नहीं, रुको। जानती हूं मैं अम्मात के इशू की वजह से फिक्रमंद हो ना। मैंने आपसे कहा था ना, एक वक्त आएगा जब अम्मात के साथ घूमने फिरने की वजह सामने आ जाएगी और सलमान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मुतमईन हो जाएंगे। हाँ तो बेटा, हल कब निकलेगा? जब सब कुछ हाथ से चला जाएगा। नतीजे तक तो पहुंच चुकी हूँ ताई जान, हल तो निकाल लिया है मैंने। अच्छा, क्या हल निकला है मुझे भी बताओ। बस कोई मजबूरी आ गई है जिसकी वजह से अभी आपको कुछ बता नहीं सकती। लगता है बेटा अब तुम मुझसे ना कुछ बातें छुपाने लगी हो। आप भूल रही हैं शायद, आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझ पे अंधा एतमाद करती हैं। तो पर यकीन रखिए अपनी उरूज पे। रुज भाभी कुछ ना कुछ छुपा रही है, अब तो मुझे भी तुम्हारी बातों पर यकीन होने लगा। अच्छा, तो आ गया तुझे यकीन? मैंने कितनी बार तुझे ये बताया लेकिन तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया। और उधर मॉम, वो मेरी और अरुज की अलहदगी का सोच रही है। अलहदगी का? सॉरी बट आंटी के इस डिसीजन से मैं मुत्तफिक नहीं। रिश्तों को संभाला जाता है यार, बड़े सेंसिटिव होते हैं रिश्ते। 100 बार सोचा जाता है कोई फाइनल डिसीजन लेने से पहले। और ये जो सिचुएशन है, ये इंतहा की सिचुएशन नहीं है? मेरी बीवी जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, वो अपने पुराने दोस्त, अपने पुराने यूनिवर्सिटी फेलो के साथ घूम पे रही है और मेरे सामने इस बात का इतराफ कर रही है। दिस इज समथिंग टू रियली वरीड अबाउट। आई कैन अंडरस्टैंड। आई एम वरीड, आई एम वेरी मच वरीड अबाउट दिस। यार ये सलमान अरुज भाभी इतनी तो ना समझ नहीं है ना कि वो अपना बसा बसाया घर शराब कर दे। मेरा एक मशवरा मानो, थोड़ा टाइम दे दूंगा। वक्त मैं डरता हूं कि मजीद वक्त देने में कहीं वो वक्त ना आ जाए कि मैं मॉम के सामने अरुज का दिफा ना कर सकूं। तेरी
फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। मैंने आपसे कहा था ना, एक वक्त आएगा जब इमाद के साथ घूमने फिरने की वजह सामने आ जाएगी और सलमान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मुतमईन हो जाएंगे। हाँ तो बेटा, हल कब निकलेगा? जब सब कुछ हाथ से चला जाएगा। नतीजे तक तो पहुंच चुकी हूँ ताईजान, हल तो निकाल लिया है मैंने। अच्छा, क्या हल निकला है मुझे भी बताओ। बस कोई मजबूरी आ गई है जिसकी वजह से अभी आपको कुछ बता नहीं सकती। और रोज तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जब खेल शुरू होता है तो उसका एक वक्त भी मुकर्रर होता है, और इस खेल को वक्त के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए। माना कि तुम बहुत एतमाद से खेल रही हो, मगर तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि वक्त तेजी से घट रहा है। नतीजे तक पहुंचने में ताखीर का फायदा सामने वाली टीम को हो सकता है। तुम्हें बहुत जल्द कुछ फैसला करना होगा। बेगम साहिबा, आपका जूस। अवसाई, ये उरूज के दिमाग में क्या चल रहा है? वो तो तुम्हें सब कुछ बताती है ना, तो उसने बताया होगा। तुम मुझे बताओ क्या कहा उसने। नहीं बेगम साहिबा, छोटी बीबी साहिबा परेशान जरूर है, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। हाँ बस ये जरूर कहा था, वसाई मेरे लिए दुआ करना, मैं किसी बवर में फंसी हुई हूँ और अल्लाह मुझे सही फैसला करने की ताकत दे। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। जी बस वो मैडम मुसरत के फोन आ रहे बार बार, आप अटेंड नहीं कर रहे। इस बेवकूफ औरत की वजह से 10 साल पुराना छुपाया हुआ राज उरूज के हाथ लग गया। बॉस, ऐसे काम में तो इज्जत खतरे में रहती है। शाइस्ता मैडम से छुपकर आपने काम इतना खतरनाक किया। तुम भी मुसरत की जबान बोल रहे हो। बॉस आपको क्या लगता है कि आप ज्यादती करें और कोई बोले भी नहीं? क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है बॉस, अब आपको पता लग जाएगा कि 2 बीवियों का खर्चा कितना होता है। वो कैसे? 10 साल से कौन उठा रहा है खर्चा? पहले मैडम उरूज नहीं थी ना, अब आपके क्रिप्शन के सारे चश्मे सूख गए, सिर्फ रेत उड़ रही है।
देखते हैं और कुछ कभी मैं डूबा ना तो सबको साथ लेकर डूबूंगा, याद रखना। बस देख लीजिएगा, अगर डूबने वालों में मेरा भी नाम है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सस्ती सी लाइफ जैकेट ले लूंगा। जाओ, get out, जाओ। बस वो मैडम नुसरत, मैंने कहा दफा हो जाओ, जाओ। हेलो मैम। फातिमा कमरे में आई है मेरे। ओके मैम। यस मैम। मैंने आपको स्टोनबरी की फाइल ईमेल की है। ओके। और एक और न्यू प्रोजेक्ट है, वो भी आपको ईमेल कर रही हूँ। ओके। आप दोनों के प्रिंटआउट्स निकालें और एक फाइल बनाकर मुझसे शेयर करें। ओके मैम। आशिकी को तो